लगातार जारी है। मैं आपके साथ नलिनी पांडे, और सबसे पहले आपको ये बता दूं कि यूपी की 8 सीटों पर मतदान लगातार जारी है। अलीगढ़ की अगर बात करें तो अब तक 44.03% मतदान हो चुका है। वोट परसेंटेज आपको सबसे पहले बता रखे हैं, मेरठ में 47.6% मतदान हुआ है। अगर अमरोहा की बात करें तो 52% वोट यहाँ पर अब तक अमरोहा में पड़े हैं। बुलंदशहर की बात करें तो 44.45%, तो गौतम बुद्ध नगर में 44.01% मतदान हुआ है। मतदाताओं में जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है। ये बड़ी और अहम जानकारी आपको हम दे रहे हैं। 6 बजे तक वोट डाले जाएंगे। और बड़े चेहरे कौन कौन से हैं, देखिए अगर मथुरा की बात की जाए, मथुरा सीट बेहद ज़्यादा दिलचस्प है। मेरठ सीट की बात की जाए, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से अरुण गोविल पर दाव लगाया गया है। मेरठ सीट भी बहुत ज़्यादा दिलचस्प है। तो अब तक का वोट परसेंटेज न्यूज़ 18 आपको बता रहा है, 8 सीटों पर मतदान जारी है। और अगर मेरठ की बात करें, 47.6% मतदान, अमरोहा में 52% मतदान हुआ है, बुलंदशहर में 44.45%, तो गौतम बुद्ध नगर में 44% मतदान अब तक हो चुका है। और अभी भी जो वोटर्स की संख्या बढ़ती चली जा रही है, क्योंकि दिन ढल चुका है और धीरे धीरे करके धूप भी ढल रही है, और ऐसे में जो तमाम वोटर्स हैं वो अपना वोट कास्ट करने के लिए पहुंच रहे हैं। आज फ्राइडे का दिन है और इन सबके बीच अलीगढ़ में कितना प्रतिशत मतदान हुआ है, मेरठ में कितना, वो भी आपको बता। और तो कुछ नया मुद्दा है नहीं यहाँ पे। सर मोदी जी ने कई बार मंच की तारीफ की है, मंच की तारीफ करते रहते हैं, तो क्या बात, क्या लगता है कि इस बार वो वोट किधर कर दिया सर? देखिए ये मेरे लिए गर्व की बात है कि अगर पीएम आपके लिए कुछ दो वर्ड बोलते हैं, वो मैं उसके लिए मैं बहुत बड़ा बहुत ज्यादा शुक्रगुजार हूँ। उन्होंने मेरा नाम लिया है और मेरे घर में आके भी लिया उन्होंने, तो इसके लिए बहुत बहुत थैंक्स। और जहाँ तक वोट की बात है, ये आपका अधिकार है, आप किसी को बताने के हकदार नहीं है, कि आपको पूछने के हकदार नहीं है किसको वोट। ढोलक का अमरोहा का ढंग का बजता है, मोहम्मद शमी के नाम का ही बज रहा है, इंशाल्लाह बजता रहे। तमाम सहयोगी ग्राउंड जीरो पर लगातार डटे हुए हैं। मेरठ से उमेश श्रीवास्तव का रुख कर लेते हैं। मेरठ में अब तक करीब करीब 47% मतदान उमेश हो चुका है। और अगर भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार की बात करें, अरुण गोविल की बात करें, वहां पर कितना गजब का उत्साह नजर आ रहा है वोटर्स के बीच में। जी हाँ, देखिए लोकतंत्र का महापर्व मनाया जा रहा है, डेमोक्रेसी का फेस्टिवल मनाया जा रहा है, महिलाओं में, पुरुषों में, बुजुर्गों में, सभी में गजब का उत्साह देखने को मिल रहा है। और खासतौर से जो फर्स्ट टाइम वोटर्स हैं, उनका जुनून बस देखते ही बनता है। इन तस्वीरों में आप देखिए, ये सभी लोग अपने मताधिकार का प्रयोग करके आए हैं और अपनी फिंगर दिखा रहे हैं, नीली स्याही की ताकत दिखा रहे हैं। हम सीधा कुछ लोगों से रूबरू होते हैं, बात कर लेते हैं कि आखिर किन मुद्दों के आधार पर आपने वोट डाला, क्या कहेंगी, आपने अपने मताधिकार का प्रयोग कर लिया है, अपना वोट कास्ट कर लिया है, वोट वोट से कितना एक्साइटेड रही वोट डालने के लिए, और किन मुद्दों के आधार पर आपने अपने सबसे बड़े अधिकार का प्रयोग किया, बताइए, अपने व्यू शेयर कीजिए, बोलिए। क्या कहेंगे आप, आपने अपने वोट को कास्ट कर लिया है, आप युवा हैं, क्या सोचते हैं देश के बारे में, कैसी सरकार होनी चाहिए, देश की सरकार चुनने के लिए आप लोगों ने आज मताधिकार का प्रयोग किया है, कितना एक्साइटेड रहे, और मुद्दे क्या रहे, इश्यूज क्या थे जिनके आधार पर आपने वोट डाला? मैंने मोदी जी को वोट दिया और मैं बहुत खुश हूँ उनको वोट देकर। उन्होंने इतना ज्यादा डेवलपमेंट किया इंडिया के अंदर बहुत ज्यादा, और जैसे हम इंटरनेशनली भी ट्रेवल करते तो हमारे पासपोर्ट की वैल्यू बहुत ज्यादा बढ़ गई है, तो मैंने इन सब इश्यूज को देख के मोदी जी को। मैडम क्या कहेंगे आप, वोट कास्ट करके आई हैं, बहुत खुश हैं, और मैं देख रहा हूँ कि महिलाओं में जबरदस्त जोश देखने को मिल रहा है, बड़ा उत्साह देखने को मिल रहा है, यू फील एक्साइटेड, और देश की सरकार चुनने के लिए, अच्छी सरकार चुनने के लिए आपने अपने मत का प्रयोग किया? मैं तो सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगी कि मोदी जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और इसलिए हम इनके पक्ष में वोट डाल रहे हैं। बस क्या इश्यूज हैं, आपको क्या लगता है कि इम्पोर्टेंट मसले कौन कौन से हैं, और क्या सोच करके आपने अपने वोट को कास्ट किया? देखिए अब समय आ गया है कि जात पात से दूर होके एक प्रोग्रेसिव सोच के साथ एक उस पार्टी को वोट दिया जाए जिसकी सोच भी प्रोग्रेसिव हो। यूथ को प्रोग्रेस चाहिए, जात पात के वो सब मसले नहीं चाहिए, तो इसलिए मैंने बीजेपी को वोट दिया है। प्रोग्रेसिव इंडिया, प्रोग्रेसिव भारत, ये सबसे महत्वपूर्ण विषय है, डेवलपमेंट इज द मेन इशू, विकास सबसे बड़ा मुद्दा है, विकास सबसे बड़ा मुद्दा है, और मोदी जी विकास कर रहे हैं देश में, और उनकी पक्ष में जो हमारे भगवान श्री राम खड़े हुए हुए हैं, उनको हम सपोर्ट प्रणाम करते हुए नजर आ रहे हैं कि जी यहीं से जा रहे हैं मंदिर, अच्छा। प्रणाम करते हुए उनको, अच्छा। हाँ। तो आपको लगता है कि विकास के नाम पर वोट पड़ रहा है, देश के लिए वोट पड़ रहा है, देश की अच्छी सरकार के लिए वोट पड़ रहा है? अमरोहा से राजीव का भी रुख कर लेते हैं। राजीव, बीजेपी की तरफ से कंवर सिंह तंवर पर दाम लगाया गया है, बाकी बीएसपी और एसपी की तरफ से मुस्लिम कैंडिडेट उतारा गया है। अमरोहा की अगर बात करें, वहां पर किस प्रकार का उत्साह नजर आ रहा है वोट कास्ट करने को लेकर?
अब देखिए अगर अमरोहा की बात करें तो आज सुबह से ही जबरदस्त मतदाताओं में उत्साह नजर आ रहा है। आप देख सकते हैं कि इस वक्त मैं अमरोहा के सहसपुर अली नगर मतदान केंद्र पर खड़ा हूं, जहां आपसे कुछ देर पहले अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर मोहम्मद शमी ने अपना वोट कास्ट किया। और अब लगातार क्योंकि दोपहर का वक्त है तो इस वक्त भीड़ आपको कुछ कम नजर आ सकती है, लेकिन इस वक्त हमारे साथ मोहम्मद शमी के भाई मौजूद है, उनसे हम बात करेंगे। मतदान चल रहा है, किन किन मुद्दों को लेकर आप लोग वोट कास्ट कर रहे हैं? देखो यहाँ काफ़ी शांतिपूर्ण तरीके से मतदान चल रहा है और लोगों में इस बार साइलेंट वोटिंग का ज्यादा उत्साह है और लोग काफी अच्छे तरीके से वोटिंग कर रहे हैं। किन किन मुद्दों को लेकर ध्यान में रख के यहाँ पर यूथ है या अन्य लोग वोट कर रहे हैं, मुद्दे क्या है? यूथ ने जो देश की तरक्की के लिए ज्यादा मुद्दे हैं और रोजगार के मुद्दे हैं, इन मुद्दों को लेकर लोगों ने वोट किया है। एक अच्छी गवर्नमेंट आए जो गुड गवर्नेंस दे और महिला सुरक्षा दे, इस मुद्दे पर लोगों ने वोट दिया है। तो जैसा कि आपने सुना कि अगर अमरोहा में अब तक वोटिंग की बात करें तो 52.02% वोटिंग हो चुकी है करीब 3 बजे तक, जो कि एक अच्छा परसेंटेज माना जा रहा है। उम्मीद ये जताई जा रही है कि जब पिछली बार चुनाव हुआ था तो करीब 71% चुनावों की अगर बात करें तो अमरोहा में दानिश अली ने जीत दर्ज की थी और इस बार भी कांग्रेस की तरफ से दानिश अली को चुनावी मैदान में उतारा गया। आपके पास लौटेंगे, लेकिन फिलहाल बता दें कि ईवीएम को लेकर अखिलेश यादव का बयान सामने आया है। ईवीएम को लेकर लड़ाई लंबी चलेगी और कई विकसित देशों में ईवीएम नहीं है, ये उनकी तरफ से कहा गया। अखिलेश यादव का ये बड़ा बयान सामने आया है, ईवीएम को लेकर क्या कुछ कहा अखिलेश यादव ने वो हम आपको बता रहे हैं। इससे पहले भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी ये इस पर बयान दिया और सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भी एक बड़ा झटका विपक्ष को लगाया, लेकिन इन सब के बीच ईवीएम को लेकर अखिलेश यादव का बयान। अखिलेश यादव ने कहा कि ईवीएम को लेकर जो लड़ाई है वो अब आगे तक और लंबी चलने वाली है, कई विकसित देशों में ईवीएम नहीं है, ये भी अखिलेश यादव की तरफ से कहा गया। यानी कि एक बार फिर से ईवीएम पर ठीकरा फोड़ने की कोशिश विपक्ष करता हुआ नजर आ रहा है। ये लड़ाई बहुत लंबी है, वीवीपैट को लेकर के, ईवीएम को लेकर के और बैलेट पेपर को लेकर के ये लड़ाई लंबी है। माननीय सुप्रीम कोर्ट का जो भी फैसला है उसको अंततः सब स्वीकार करेंगे, लेकिन लड़ाई रुकेगी नहीं, लड़ाई लगातार चलेगी। और लड़ाई इसलिए जरूरी है क्योंकि दुनिया के तमाम देश हैं जो ईवीएम और ईवीएम से वोट डलाने के लिए अनकॉन्स्टिट्यूशनल मांग रहे हैं। यूपी बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी से खास बातचीत की है हमारे संवाददाता संकेत मिश्रा ने, सुनिए। आपने भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश संगठन के मुखिया भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी जी हैं। सर, उत्तर प्रदेश देश के लिहाज से सबसे बड़ा राज्य है और उसमें भारतीय जनता पार्टी संगठन के आप प्रदेश के अध्यक्ष हैं। आज हम लोग बरेली चल रहे हैं, किस तरीके का माहौल आज पूरे उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में देख रहे हैं? नहीं, भारतीय जनता पार्टी और हमारी सरकार ने जो काम किए मोदी जी के नेतृत्व में, 2014 से सरकार केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की है और माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो काम किए हैं 10 वर्षों, उन कामों के आधार पर मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं कि प्रदेश की जनता का विश्वास मोदी जी के प्रति है और मोदी जी के नेतृत्व में आज बदलता हुआ उत्तर प्रदेश, एक विकसित उत्तर प्रदेश, एक समृद्ध उत्तर प्रदेश मोदी जी के मार्गदर्शन में और योगी जी के नेतृत्व में हुआ है। और आज मैं निश्चित रूप से कह सकता हूँ जो बीमारू राज्य था उत्तर प्रदेश 2014 से पहले, आज महाराष्ट्र के बाद सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है उत्तर प्रदेश में। आज कानून का राज है और बेहतर आधारभूत ढांचा सरकारों ने उपलब्ध कराया, उसी के आधार पर आज पूरा उत्तर प्रदेश राममय है, मोदीमय है और मुझे विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी 80 की 80 सीटें मोदी जी के नेतृत्व में जीतेगी। सर, आपके सामने जो चुनौती है इंडी गठबंधन, उसमें अगर बात की जाए अखिलेश यादव की, सपा मुखिया की, तो आप लोग लगातार आरोप लगाते हैं कि समाजवादी पार्टी ने जो प्रत्याशी चयन किया, जिन यादव वोट बैंक के लिए वो राजनीति करते हैं, उनके परिवार के लोग ही ज़्यादातर, उनको ही टिकट दिया गया है, इस मुद्दे को लेकर लगातार भारतीय जनता पार्टी हवा दे रही है, क्या लग रहा है सर जो इंडी गठबंधन खासकर जो समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव हैं उनको आप कितना चुनौतीपूर्ण मानते हैं?
निश्चित रूप से मैं जो देखता हूँ, जिस प्रकार से समाजवादी पार्टी में प्रत्याशी चयन की घोषणाएं हो रही हैं, सुबह किसी का घोषणा होती है, दोपहर में कोई प्रत्याशी आ जाता है, नामांकन कोई कराता है, सिंबल कोई जमा करता है, तो जिस प्रकार का अनिश्चितता का माहौल है, उस माहौल के आधार पर ऐसा लगता है कि समाजवादी पार्टी में अंत विरोध है। और अंत विरोध के सारे कारण कहीं ना कहीं दिखते भी हैं, उसके आधार पर मैं निश्चित रूप से कह सकता हूँ कि समाजवादी पार्टी कन्फ्यूज पार्टी है और समाजवादी पार्टी अंतर्विरोध से घिरी हुई पार्टी। सर, जिस तरीके से अमेठी और रायबरेली की लोकसभा सीट की अगर बात की जाए, तो प्रियंका गांधी और राहुल गांधी के चुनाव लड़ने की चर्चाएं तेज हैं। जहां तक प्रियंका गांधी से, रायबरेली से प्रियंका गांधी चुनाव लड़ सकती हैं, अमेठी से राहुल गांधी लड़ सकते हैं, इनको आप कितना चुनौतीपूर्ण मानते हैं? नहीं, पूरी कांग्रेस पार्टी को उत्तर प्रदेश की महान जनता ने लगभग नकार दिया और कांग्रेस की कोई गतिविधि उत्तर प्रदेश में अब नहीं है। आप देखें, पिछले 5 वर्षों में राहुल गांधी कभी कांग्रेस में, कभी रायबरेली आए होंगे। 2022 में प्रियंका गांधी जी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी लड़ी और कांग्रेस पार्टी को एक प्रकार से उत्तर प्रदेश की महान जनता से नकार दिया। और उसके बाद प्रियंका गांधी और कांग्रेस पार्टी दोनों उत्तर प्रदेश से पलायन कर गई, तो अब पूरे उत्तर प्रदेश में और रायबरेली और अमेठी भी उसमें शामिल है, कोई संभावना कांग्रेस पार्टी के लिए बची नहीं है। सर, जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी और खासकर कांग्रेस का जो गठबंधन है, उसकी संभावना कोई नहीं है उत्तर प्रदेश में, लेकिन बसपा लगातार कई जगहों पर चुनाव को त्रिकोणीय संघर्ष में बनाए हुए है, किस तरीके से बसपा को आप उत्तर प्रदेश में देखते हैं? क्या लग रहा है आपकी जो भारतीय जनता पार्टी को चुनौती दे रहे हैं वो बसपा दे रही है या फिर इंडी गठबंधन दे रहा है? किसे अपना मजबूत प्रतिद्वंदी मानते हैं आप? नहीं, आप अगर प्रचार के उसमें देखेंगे, परिप्रेक्ष्य में, तो विपक्ष कहीं नजर नहीं आता। भारतीय जनता पार्टी के हमारे नेता माननीय प्रधानमंत्री जी लगातार सार्वजनिक कार्यक्रमों के माध्यम से जनता के बीच में, माननीय मुख्यमंत्री जी, हमारे दोनों डिप्टी सीएम और पूरी भारतीय जनता पार्टी के सभी लोग लगातार अपने एजेंडे के साथ, अपने कामकाज का जो हमारी सरकारों का लेखा जोखा है, उसके साथ लगातार जनता के बीच में। इसी परिप्रेक्ष्य में आप देखेंगे तो INDIA गठबंधन के लोग एकदम पिक्चर से गायब हैं और मायावती जी भी गतिविधि लगभग उनकी शून्य है, कोई बड़े सार्वजनिक कार्यक्रमों में वो एक आध जगह दिखती हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो विपक्षी लोग हैं वो चुनाव में औपचारिकता भर कर रहे हैं, वो अपनी पराजय सुनिश्चित मान चुके हैं। सर, ये आकाश आनंद हैं बसपा में, बसपा सुप्रीमो मायावती के भतीजे भी हैं, लगातार चुनावी जनसभाएं कर रहे हैं और इन्होंने अपनी एक जनसभा में एक बयान भी दिया है। इन्होंने कहा जो पुलिस भर्ती घोटाले में जो लोग आरोपी हैं उनके गुर्दे निकाल लेने चाहिए, इस तरीके के जो बयान दे रहे हैं, लगातार भारतीय जनता पार्टी को भी वो घेरने का काम कर रहे हैं। देश में एक संवैधानिक व्यवस्था है, राज्य में भी संविधान के अनुसार राज्य चलता है, हमारी सरकार उसी का पालन कर रही है। और जो जो इस प्रकार की घटनाएं हुई हैं, सरकार ने पूरे संवेदनशीलता के साथ उस पर कार्रवाई की है और जो भी दोषी हैं, सरकार पूरी पारदर्शी व्यवस्था के साथ उन दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करके विधि सम्मत कार्रवाई करेगी और निर्णय माने न्यायालय को करना है। और जनता, इनको भरोसा है कि भारतीय जनता पार्टी को पूरी तरीके से जनता साथ में है और जीत दिलाएगी। कैमरा